बच्चों, अब हम आज के वीडियो में भस्त्रिका प्राणायाम के विषय में चर्चा कर रहे हैं। भस्त्रिका जैसे लोहार को देखा होगा आपने, वह आग जलाने के लिए धौंकनी का इस्तेमाल करता है। तो जब वह धौंकनी आग जलाने के लिए इस्तेमाल करता है, पहले सांस को अंदर भरता है और फिर फूंकता है तो आग जला लेता है। वैसे ही प्रक्रिया हमें करनी है, वह मुंह से करता है और हमें नाक से करना है। तो आंखें बंद, ज्ञान मुद्रा बनी हुई, कमर सीधी, धीमी गति से लंबी गहरी सांस लीजिए, पूरी सांस छोड़िए। लगभग 2.5 सेकंड में श्वास लेना है, 2.5 सेकंड में श्वास छोड़ना है। इस प्राणायाम के करने से हमारे फेफड़ों का अच्छा व्यायाम होता है। फेफड़ों में लगभग 7 करोड़ छिद्र होते हैं, ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह होता है। जब लंबी गहरी सांस लेते हैं और छोड़ते हैं तो उन सभी का अच्छा व्यायाम होता है, अधिक से अधिक छिद्र उसके खुलते हैं। जितने अधिक क्षेत्र फेफड़ों के खुलते हैं उतनी अधिक मात्रा में ऑक्सीजन हृदय प्रदेश तक जाती है और हमारा हृदय शरीर से खून को ला रहा है और फेफड़ों में शुद्ध करने के लिए भेज रहा है। और उस जब रक्त शुद्ध हो जाता है तो उस शुद्ध रक्त को वापस शरीर में पहुंचा देता है। तो जब हमारे फेफड़ों के ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र खुले रहेंगे तो स्वाभाविक है कि हमारा खून ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शुद्ध रहेगा। हमारा खून जितनी अधिक मात्रा में शुद्ध होगा तो हमारे शरीर में रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता हमारी बढ़ जाएगी, रोगों से लड़ने की क्षमता हमारी बढ़ जाएगी। इस प्राणायाम के करने से शरीर में गर्मी भी धीरे धीरे पैदा होती है, जिसके करने से सर्दी, खांसी, एलर्जी के रोग दूर होते हैं। तीनों दोष बात पित्त और कफ सम होते हैं। मन को एकाग्र करने के लिए बहुत ही अच्छा प्राणायाम है। तो आप अपने घर पर इसे अवश्य करिए और अपना वीडियो बना के हमें जरूर भेजिएगा। इति ओम शांति। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले प्राणायाम के साथ। ओम सभी को सादर नमस्कार।